चीन में कोविड का बढ़ता असर भारत को भी डराने लगा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में हालात बेकाबू हो चुके हैं। अस्पतालों को तो छोड़िए, शमशानों में भी वेटिंग चल रही है। इसके मद्देनजर भारत में केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तमाम एडवाइजरी जारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में वाकई कोविड के खतरे से डरने या पैनिक होने की जरूरत है। दरअसल दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट BQ1 से लेकर XBB तक कई तरह के कोविड वेरिएंट सामने आए हैं। WHO ने भी चेतावनी दी है कि आने वाली सर्दियों में कोविड चिंता का विषय बना रहेगा। हालांकि इसके बावजूद राहत की बात यह है कि भारत में अब तक इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भारत में कोविड के नए वेरिएंट BF7 से बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि आप सावधानी न बरतें। BF7 से डरने की जरूरत क्यों नहीं? देश में COVID-19 के 10 नए स्ट्रेन मौजूद हैं। BF7 छह महीने से देश में है। भारत कोविड की नई लहर पहले ही झेल चुका है। BF7 ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। वायरस का मेन स्ट्रक्चर ओमिक्रॉन जैसा ही है। भारत के ज्यादातर लोग ओमिक्रॉन लहर से गुजर चुके हैं, इसीलिए इम्यूनिटी हमारे पास है। अब आपको बताते हैं कि अगर सब कुछ इतना सिंपल है तो फिर चीन में क्यों कोहराम मचा हुआ है? आखिर वहां हालात क्यों बेकाबू हो रहे हैं? जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन में बिगड़े हालात। वायरस मिलने पर अपार्टमेंट सील कर दिए जाते हैं। किसी के घर इन्फेक्शन मिला तो पड़ोसी का घर भी सील कर दिया जाता है। इस वजह से लोगों में कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं बनी। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उनमें गंभीर लक्षण हैं। चीन के कोविड वैक्सीन उतने प्रभावी भी नहीं हैं। जिन बुजुर्गों ने टीका नहीं लगाया उनमें वायरस तेजी से फैल रहा है। अब आपने चीन के हालात को समझ लिया। अब आपको फिर से भारत वापस लाते हैं और जानते हैं अपने देश में हुई तैयारियों के बारे में। भारत में क्या है तैयारी? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मान्यता प्राप्त 3,393 कोविड टेस्ट लैब हैं। भारत एक महीने में 5 करोड़ कोविड टेस्ट कर सकता है। दिल्ली में रोजाना 1,00,000 टेस्ट भी किए जा सकते हैं। देश में तकरीबन हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट तैयार है। 90% से ज्यादा भारतीयों में अब हाइब्रिड इम्यूनिटी है। जाहिर है भारत में उतने खराब हालात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निश्चिंत हो जाएं। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लिहाजा हमें कोरोना के उन प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा जिसे हम छोड़ चुके हैं।